Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. International Watches Collection by Minutes to Style, Martindale Bridge, Ajmer. ये राजस्थान कारा विभाग की सातवीं प्रिजन ड्यूटी मीट है और जो यहाँ पर JTI में जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अजमेर में की जा रही है और जैसा कि आप सबको पता है कि जो जेल विभाग है उसमें जो मौजूद कर्मी हैं चाहे प्रहरी से लेकर अधिकारियों तक उनका बड़ा ही चुनौती पूर्वक कार्य होता है और उसमें मसरूफियत भी बहुत रहती है और उन चैलेंजेस के बीच में अगर थोड़ा सा खेल कूद हो जाता है तो उससे जो है एक दिमाग भी तरोताज़ा होता है और हम अपने काम को जो है अपनी डबल एनर्जी के साथ में कर सकते हैं और इसी मंशा को देखते हुए और यहाँ पर 11 मंडलों से जो है सभी प्रहरी से लेकर और अधिकारी तक आए हुए हैं पार्टिसिपेंट्स और ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लोग जो हैं अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और इनको अपनी क्षमताओं का एहसास होगा और ये अपने को चैलेंज भी कर पाएंगे। देखिए ऐसा है कि मैंने अभी अभी जो है जेल विभाग में अतिरिक्त महानिदेशक पद पर कार्यभार संभाला है और एक मैंने मीटिंग भी ली थी अभी थोड़े दिन पहले जिसमें सभी अधीक्षकों को बुलाया गया था और इस तरीके की जो समस्याएँ हैं उनके बारे में भी पूछा गया था। मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको साउंड भी कर दिया गया है कि अलर्ट रहें और इस तरह की अगर कोई भी अपने सामने में सूचना आती है या घटना मिल के बारे में सूचना आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें, स्ट्रिक्ट एक्शन लें और हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया भी है और आइंदा भी अगर इस प्रकार से अपने को कभी किसी भी तरह की कमी या कोई शिकायतें आती हैं तो हम आइंदा भी जो है इस पर एक्शन भी लेंगे और इसके साथ ही साथ उनको हमने अलर्ट भी कर रखा है कि वो अपना सूचना तंत्र इतना स्ट्रांग रखें कि इस तरह की संभावना ना बने। अजमेर केंद्रीय कारागृह देखिए जैमर्स और कैमरों का जहाँ तक सवाल है इसकी समय समय पर जो है अपने चेकिंग भी करते रहते हैं और अपने पास में जो भी रिसोर्सेज हैं उससे हम देखते हैं कि इसका जो है जिस तरीके से भी हम इस्तेमाल कर सकें तो करें, लेकिन फिर भी जो है ऐसा नहीं है कि हमारे ध्यान में नहीं है और हम जो है इस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं और अगर कोई कमी रहेगी तो उसका भी जो है उसको भी जो है उसके विल टेक ड्यू केयर अबाउट दैट। मैम लगातार मोबाइल मिलने का सिलसिला जारी है जेलों में? देखिए ऐसा है कि जहाँ तक मोबाइल मिलने का सवाल है तो मैं ये कहना चाहूँगी इसमें कि अपना सूचना तंत्र भी अलर्ट है, इसीलिए अगर लोगों के पास में मोबाइल मिल रहे हैं तो वो हम लोग उनको निकाल भी रहे हैं और इस तरीके से एक्शन भी लिया जा रहा है और उससे जो है एक प्रकार का भय भी व्याप्त होता है अंदर माहौल ताकि उनको पता लगे कि हम भी इतने अलर्ट हैं कि अगर इस प्रकार से कोई मोबाइल लेकर आएगा तो उन मोबाइल्स को पकड़ा जाएगा, अपने जो प्रहरी हैं अपने अधिकारी हैं वो सब जो हैं बड़ी मुस्तैदी के साथ में इसको निकालते हैं और जो ये आपको सूचना मिल रही है इसीलिए मिल रही है क्योंकि वो अलर्ट है और वो जो है इनको रिकवरी कर पा रहे हैं और उसकी सूचना हमको मिल रही है जिससे कि इनके जो भी मतलब बैड इंटेंशंस हैं वो उस पर पानी फिर रहा है। जेल पे जो धमकियाँ मिल रही है द्वारा? नहीं देखिए ऐसा है कि प्रहरी तो अपना काम करते हैं और अपना काम बखूबी निभाते हैं, इस प्रकार की शिकायतें कभी कभी जो आती हैं उसमें अपने को ये भी अंदरूनी तरीके से देखना पड़ेगा क्योंकि अपना काम है डिसिप्लिन लाना, अपना काम है लोगों को जो है ढंग से कार्य करना और अगर उस अपनी ईमानदारी से मेहनत से हम काम कर रहे हैं स्ट्रिक्ट हैं तो नेचुरली अगर किसी को परेशानी होती है तो शिकायतें भी आएंगे। मैम केंद्रीय कारागृह वॉलीबॉल कोर्ट का मैच के लिए मैम जो जेल के अंदर मैम कठोर कदम बिल्कुल उठाए जाते हैं, आपको पता भी होगा समय समय पर जो है हम अगर इस तरह की कोई लापरवाही मिलती है तो उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं और बाकी जहाँ भी जब भी कोई शिकायतें आती हैं अभी अगर आपने देखा होगा तो बहुत ज़िम्मेदार अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं और वो इस इन घटनाक्रमों पर बखूबी नज़र रखते हैं, कभी भी किसी प्रकार की भी सूचना अपने को मिलती है तो उसमें वो अधिकारी तत्परता के साथ में एक्शन लेते हैं।